बॉलीवुड में लिंकअप्स और ब्रेकअप्स आए दिन होते रहते हैं। 21वीं सदी में तो ये काफ़ी आम बात हो चुकी है, लेकिन काफ़ी समय पहले की बात करें, इंडियन सिनेमा के अर्ली डेज की बात करें, तो इतनी डिजिटल मीडिया आउटलेट्स नहीं थे इस न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए, इसीलिए काफ़ी सारी स्टोरीज अनरिपोर्टेड रह गईं। हालांकि प्यार तो तब भी कॉमन ही था। ऐसी ही कुछ स्टोरी थी वेटरन एक्टर दिलीप कुमार साहब की, जिन्हें यूसुफ साहिब के नाम से बुलाया जाता था फिल्म इंडस्ट्री में। दिलीप कुमार साहब काफी चार्मिंग और सक्सेसफुल एक्टर थे, जिनके साथ कंपटीशन एकदम जीरो था उनके वक्त में। उनका कैरेक्टर सलीम के आसिफ की मूवी मुगले आजम में लेजेंडरी रहा। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच पांच एक्ट्रेसेस ऐसी थी जो इसी आदमी के प्यार में पड़ गईं। उनमें से सबसे पहली का नाम है कामिनी कौशल, जिन्हें हमने हर दिल जो प्यार करेगा की क्यूट दादी के रूप में देखा था। सेकेंड इज नन अदर देन अनारकली मधुबाला। मधुबाला और दिलीप कुमार का लंबा अफेयर चला, उन्होंने एंगेजमेंट भी की, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से द टू ब्रोक अप। थर्ड सायरा बानो। दिलीप कुमार 22 साल के ही थे, लेकिन दोनों ने शादी कर ली। इनकी लव स्टोरी अभी भी ऐसे लगती है कि वो न्यूली मैरिड हों, क्योंकि उनका अफेक्शन अभी भी नहीं बदला है। फोर्थ इज अस्मा रहमान। दिलीप कुमार साहब इस लड़की को अपने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक मानते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। फिफ्थ इज वैजयंती माला। दिलीप कुमार और वैजयंती माला की क्रैकलिंग केमिस्ट्री थी। जब भी वो साथ में स्क्रीन पर आते तो आग लगा देते थे, लेकिन 6 मूवीज में एक साथ काम करने के बाद वैजयंती माला ने किसी और से शादी कर ली और दिलीप कुमार को मूव ऑन होना पड़ा। और अब दिलीप कुमार साहब हैप्पीली मैरिड हैं सायरा बानो से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।